स्वागत है। स्वागत है आपका बॉलीवुड मैटर निवर्ड में। ये दो आपके पीछे जो पोस्टर लगे हैं दोनों क्लैश होने वाले हैं, आपका क्या रिएक्शन है ये क्लैश में? मैं तो बोलूँगी ये SRK वर्सेस प्रभास सर नहीं है, ये राजकुमार हिरानी सर वर्सेस प्रशांत नील है। बिकॉज ये दोनों है ना बाप ऑफ डायरेक्टर्स है, जब भी लाते हैं ना धमाल करते हैं वो। इनको देख लो, इनकी जितनी भी मूवीज है 3 इडियट्स फॉर एग्जांपल ले लो, क्या उन्होंने सीख देकर गए हैं। हमेशा जब भी मूवी लाते हैं ना एक ऐसा मॉरल देके जाते हैं, ऐसी सीख देके जाते हैं, लाइफ टाइम याद रहती है, इसीलिए इनको बहुत ही माना जाता है। और ये तो जब भी आते हैं तो वायलेंस पे वायलेंस मचाते हैं और पब्लिक का दिमाग हिला देते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ने वाले, ये दोनों नहीं दोनों डायरेक्टर्स भारी पड़ने वाले एक दूसरे पे। तो क्या लगता है पहले दिन पब्लिक ज्यादा अट्रैक्शन किसकी तरफ है, कौन सा सलार या डंकी? इनके तो फैन फॉलोइंग है यहाँ पे शाहरुख की, ये यहाँ पे धूम मचाएंगे। इनका तो साउथ में ज्यादा होगा, ये साउथ में धूम मचाएगा, यहाँ पे मुझे कम लग रहा है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो वाइब्स है ना KGF की बहुत दे रहा है, तो पब्लिक थोड़ा सोचेगी जाने से पहले, रिव्यूज का वेट करेगी उसके बाद जाएंगे। और इनकी राजकुमार हिरानी की जो मूवी है ना, ये तो पब्लिक मतलब सोचते नहीं है, सीधा टिकट निकाले और चले जाएंगे, पता है इसमें कुछ देखने के लिए अच्छा ही होगा। सो दोनों ही भारी है एक दूसरे पे, दोनों ही ज़बरदस्त कंटेंट तो ये भी है, मतलब सिंपल स्टोरी है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये भी दोस्तों के ऊपर ही है, बट बोलते हैं दोनों का कंटेंट अलग रहेगा, ये पॉलिटिक्स रहेगा, ये दोस्ती निभाने में रहेगा। सो पता नहीं, वो रिलीज होने के बाद ही पता चले। ब्लॉकबस्टर क्या, ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर गए वो, एंड इनकी 3 मूवी नहीं चल पाई है, बट इसमें पृथ्वीराज सुकुमार जी भी है, तो वो तो बोलते ना पब्लिक को अपनी तरफ खींचेगा ही। उनका जो एक्टिंग लेवल है ना वो भी इनके टक्कर का ही है। सो बस वेट करना है, दोनों का इंतजार करना है। आप कौन से दोनों मूवी देखने जाएंगे पहले, आपके पर्सनली अभी मैं नहीं बताऊंगी, मैं वक्त आने पे बताऊंगी, अभी बोलोगी तो दोनों के फैंस नाराज हो जाएंगे, लेकिन पब्लिक मुझे जरूर बताइए ऑप्शंस में, कमेंट्स में कि मैं कौन सी पहले जाऊँ, पब्लिक की डिमांड रहेगी तो वो मूवी पहले देखूंगी। तो पब्लिक डिमांड पे ही मैं पहली मूवी वो देखूंगी, पब्लिक की जो कमेंट्स पहले ज्यादा जिस मूवी के रहेगी वो मूवी पहले देखूंगी मैं। तो पब्लिक आप बताइए मैं कौन सी मूवी पहले जाऊँ, वो मूवी का रिव्यू आपको पहले मिल जाएगा। दोनों के ट्रेलर को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, बिकॉज इनका ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 भी आया, अभी 3rd भी सॉन्ग आ गया। सो गाने भी काफी अच्छे, हार्ट टचिंग सॉन्ग भी, एक सोनू निगम जी की आवाज में एक हार्ट टचिंग सॉन्ग भी है। एंड ये तो गाने हमें फोकस ही नहीं करना है, हमें बस इनके वायलेंस पे फोकस करना है। सलार का ट्रेलर आ चुका है, तो ये इससे क्या फर्क पड़ेगा दोनों का? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सलार का ट्रेलर आ गया, अब देखते हैं कि ये कितनी हाइप क्रिएट करता है। जिसकी हाइप ज्यादा रही वो मूवी तो आसमान छुएगी, बट मुझे लगता है कि हमें दोनों का ही इक्वली सपोर्ट करना होगा। बट हाँ, इसका अब इंतजार है, फिर जाके पता करेंगे, बिकॉज दोनों के कॉन्टेंट अलग है, सो अभी कुछ नहीं बोला जा सकता, इसका इंतजार करते हैं। बाकी ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 तो अच्छे लगे, कुछ उससे बुराई लगी नहीं, एंड कुछ फन बोले ना, विकी कौशल जी है, तापसी पन्नू है, तो थोड़ा कुछ ऐसा लग भी रहा है कि कुछ अलग देखने मिलेगा। हाँ, एंड SRK सर जब भी आते हैं ना कुछ अलग ही लाते, जवान देख लो क्या ब्लॉकबस्टर, क्या एक्टिंग की उन्होंने, एक्टर के तो बोलते बाप है वो, बट यहाँ पे देखते कि वो क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। बाकी इनका तो अभी मूवी रिलीज होने के बाद ही कुछ फैसला आ सकता है, इन पर तो पूरा भरोसा है, बट इनका अभी वेट करना है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।